कि मैं जब भी सेवा में रहूंगा या सेवा के उपरांत भी अगर मेरा फिजिकली सब फिट है तो मैं जनता को वो लौटाने की कोशिश करूंगा। ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम के अंतर्गत किसी आर्किटेक्ट के माध्यम से बिल्डिंग प्लान जमा कराना पड़ेगा और जमा कराते ही वो ऑटो स्वीकृत हो जाएगा। ये व्यवस्था पूरी तरह से ऑनलाइन है पिछले 3-4 साल से। अच्छा, और ये इसका नाम जो है ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम है। सारी गवर्निंग यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट के अंतर्गत उसमें नियोजित विकास करने की जिम्मेदारी विकास विभाग की। डेवलपमेंट अथॉरिटी का दायित्व ये है कि वो एक शहर के अंतर्गत नियोजित विकास करे। एयर पॉल्यूशन इतना बढ़ता जा रहा है, एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए भी मास्टर प्लान में एक प्रोविजन करना चाहिए कि जो आपकी जमीन है उसका स्वामित्व प्रमाणित है या नहीं, उसमें कोई सरकारी जमीन तो शामिल नहीं है, कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, कोई केस तो नहीं चल रहा है। पहली जांच ये होती है, जैसे अयोध्या है वहाँ अगर ऐतिहासिक कोई मामला है और वहाँ से प्रदूषण या पर्यावरण उसका दूषित हो रहा तो वहाँ पर उसकी अनुमति नहीं मिलेगी। बिल्कुल, तो ऑनर ही तो पैसा लगाएगा उसको बिल्डिंग बनाने में, सर्विसेज देने में, तो जो पैसा लगाएगा उसी की जिम्मेदारी कंप्लीशन उसी को लेना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अभी लखनऊ में यूपी स्टेट कैपिटल रीजन बनाने का एक अलग से प्लान है, वो अच्छा चल रहा है। डिपेंड ऑन चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज चाय विद आलोक में हमारे साथ श्री जय कुमार तिवारी जी हैं, आप विकास प्राधिकरण से सेवानिवृत्त हैं। आपने अपने जीवन में बहुत ही मुश्किल हालातों का सामना किया, लेकिन इन विषम परिस्थितियों में भी कभी वो अपने रास्ते से हटे नहीं, उन्होंने हार नहीं मानी और आखिर में उन्होंने ना कि अपने लिए इतना बड़ा मुकाम हासिल किया बल्कि विकास प्राधिकरण में रहते हुए उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया था, जो उन्हें एक्सपीरियंस है, उससे वो समाज के जो आम जन है उनको डायरेक्शन दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू आलोक जी। आप रिटायर्ड हैं, मैं बहुत लोगों से बात करता हूं, जब वो रिटायर होते हैं वो कहते हैं कि आगे हम क्या करेंगे, लगता है कि जिंदगी का ये आखिरी पड़ाव है, अंतिम पड़ाव है, इसके आगे सब सुना सुना लग रहा है। लेकिन हमें बताते हुए बहुत खुशी होती है, बहुत हर्ष होता है और हम आपसे और दर्शक भी आपसे प्रेरणा लेंगे कि आप सेवानिवृत्त होने के बाद ज़्यादा बिजी हो गए। आप मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के एक नामित ट्रेनर हैं, आप जो सरकार भारत सरकार की एक बहुत ही अच्छी योजना है विश्वकर्मा योजना, उसमें आप एक ट्रेनर हैं और जो विश्वकर्मा योजना के तहत जो ट्रेनर्स हैं जो अलग अलग विधियों में बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, आप उनको ट्रेन करते हैं और आप आवास विकास परिषद के द्वारा चलाया जा रहा संचालित सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन ट्रेनिंग उसके भी एक नामित ट्रेनर हैं और आप जितने भी सहायक अभियंता हैं उनको आप ट्रेनिंग देते हैं। तो ये आपसे बहुत कुछ सीखना है हमें और दर्शक आपसे ज़रूर बहुत कुछ सीखेंगे। हम पहले आपसे जानना चाहते हैं तिवारी जी कि अगर आप अपना कुछ बचपन के किस्से शेयर कर सकें या आपका बचपन कैसे गुजरा और अपने परिवार के बारे में अगर आप कुछ साझा करना चाहें और कैसे आपकी ये जर्नी रही विकास प्राधिकरण तक पहुंचने की, उसके बारे में अगर आप हमसे कुछ साझा करें तो बहुत अच्छा रहेगा। जी आलोक जी। दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है, मैं डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। जैसा आलोक जी ने कहा कि मैं अपने बचपन के बारे में और विकास प्राधिकरण तक पहुंचने की यात्रा के बारे में बताऊं, तो मैं कहना चाहूँगा कि मेरा बचपन थोड़ा संघर्ष में निकला है, क्योंकि जब मेरी उम्र केवल 1 वर्ष की थी तभी मेरी माता जी का देहांत हो गया था, मुझसे एक बड़ी बहन भी थी जिसकी उम्र उस समय लगभग 3 वर्ष थी। तो उसके बाद मेरा जो लालन पालन है, परवरिश है, वो मेरे दादी और बाबा जी ने किया और मेरे 3 चाचा जी थे, चाची थी, उन लोगों के सहयोग से मेरा लालन पालन एक ब्राह्मण किसान परिवार में हुआ। मैं मूल रूप से इटावा जिले के निवाड़ी खुर्द गांव का रहने वाला हूं। तो माता पिता के गुजर जाने के बाद थोड़ा संघर्ष बढ़ गया और उस संघर्ष के साथ एक कड़ी और तब जुड़ गई जब मेरी पढ़ाई चली रही थी। उसी समय मेरे पिताजी जो ब्लॉक में जो हमारा खंड विकास कार्यालय होता है उसमें ग्राम सेवक पद के पद पर कार्यरत थे, लेकिन सेवा काल में ही किसी राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से, कुछ सरकारी परिस्थितियों की वजह से
उनका नौकरी से उनको इस्तीफा देना पड़ा और उनकी नौकरी भी ख़त्म हो गई, और जब तक मेरा उच्च शिक्षा में एडमिशन का समय आया तब तक उनको उनकी नौकरी ख़त्म हो गई थी और मेरे पास एक आर्थिक संकट खड़ा हो गया था। उन विपरीत परिस्थितियों में भी मैंने अपनी शिक्षा को जारी रखा और लखनऊ पॉलिटेक्निक लखनऊ से वर्ष 1982 में सिविल इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी में डिप्लोमा प्राप्त किया और अप्रैल 83 से ही मैं जूनियर इंजीनियर के पद पर कानपुर विकास प्राधिकरण में मेरी नौकरी लग गई। उसके बाद विभिन्न विकास प्राधिकरणों में कानपुर के बाद मेरी पोस्टिंग ट्रांसफ़र हो गया बरेली विकास, कानपुर के बाद ही मेरा ट्रांसफ़र हो गया मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण में। लगभग 10 साल मैंने वहाँ सेवा की। मथुरा वृंदावन के बाद फिर मैं वापस कानपुर आ गया, 2 साल दोबारा से कानपुर में सेवा की, और आलोक जी कानपुर के बाद फिर मेरा ट्रांसफ़र लखनऊ विकास प्राधिकरण में हो गया, और लखनऊ विकास प्राधिकरण में मुझे 1 वर्ष ही काम करने का मौका मिला। यहाँ कुछ राजनीतिक परिदृश्य ऐसा बना कि यहाँ से फिर ट्रांसफ़र कर दिया गया और उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र बरेली विकास प्राधिकरण में हो गया। 10 साल मैंने बरेली विकास प्राधिकरण में सेवा की। तो आपने इतने विकास प्राधिकरणों में काम किया, किस जगह पे आपको सबसे अच्छा लगा, मज़ा आया? क्योंकि मैं देखता हूँ, जैसे मेरे फादर भी थे डिफेंस में, जगह जगह उनकी पोस्टिंग हुई, लेकिन वो आगरा में उनकी जब पोस्टिंग हुई थी उसको वो बहुत याद करते हैं। तो ऐसी क्या आपके साथ भी कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छा लगे, काम करने मज़ा आया, या ऐसा वातावरण मिला जहाँ पे आपकी प्रतिभा निकल के आई, निखर के आई? आलोक जी, बरेली विकास प्राधिकरण के बाद जब मेरा ट्रांसफ़र गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में हो गया और वहाँ पर मेरी पदोन्नति भी हो गई, मैं वहाँ सहायक अभियंता के रूप में कार्यरत रहा। उस समय मेरा कार्यकाल काफ़ी अच्छा रहा क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा जिम्मेदारी बढ़ गई थी, उत्तरदायित्व बढ़ गए थे और पावर भी बढ़ गई थी, जिसकी वजह से मैं जनता के ज़्यादा काम कर सका, और यही मेरा उद्देश्य है। क्योंकि मैंने ये महसूस किया कि जब मेरा संघर्ष का समय चल रहा था जीवन के प्रारंभिक काल में, मेरी माता जी का देहांत हो गया था और मेरे एडमिशन के समय मेरे पिताजी का भी देहांत हो गया था, शिक्षा पूरी करने से पहले ही मेरे पिताजी का भी देहांत हो गया था, मेरी बड़ी बहन जी का भी देहांत हो गया था, तो उस संघर्ष से निकल कर जब मैं आया तो मुझे ये महसूस हुआ कि हमारे दादी ने, बाबा जी ने, चाचा लोग ने और समाज के बहुत सारे लोगों ने मेरा सहयोग किया और हमें एक मुकाम तक पहुंचाने में उनका बहुत सहयोग रहा, तो मुझे वो समाज को लौटाना था। इस नीयत से मैंने पूरे जीवन में, पूरे सेवा काल में सेवा की जी। और ये विशेष अवसर मुझे गाजियाबाद में ज़्यादा अच्छा लगा, जैसे आपने पूछा, क्योंकि मेरा उत्तरदायित्व और पद बढ़ गया था तो मैं ज़्यादा मदद करने की स्थिति में था। उस समय मैं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में तैनाती के समय मैंने पूरे गाजियाबाद विकास सीमा क्षेत्र के अंतर्गत सारे नक्शे पास करने का काम किया और जो भी जनता मेरे पास किसी काम से आती थी किसी को मैंने दोबारा प्राधिकरण के कार्यालय में बुलाने का मौका नहीं दिया, उसका काम पहली बार में करने की कोशिश की। तो बहुत बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लखनऊ विकास प्राधिकरण में जब पेपर उठाते हैं काफ़ी किस्से देखते हैं ऐसे कि लोग लगातार आ रहे हैं लेकिन उनकी समस्या हल नहीं हो रही है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि एक बार कोई आए उसकी समस्या हल हो जाए, उसे दोबारा ना आना पड़े। मेरी कोशिश यही रही हमेशा जी। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि जय कुमार तिवारी जी अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं और वो उसके माध्यम से जितना भी उन्होंने ज्ञान अर्जित किया, जितना भी उनको एक्सपीरियंस रहा हुआ है विकास प्राधिकरण में रहते हुए, वो तमाम विषयों पर अपनी वीडियोज़ बनाते हैं और आम जन तक सारी जानकारी पहुँचाते हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं तिवारी जी कि ये YouTube चैनल और इस तरीके से आम जन तक, कॉमन मैन तक जानकारी पहुंचाने का ये ख्याल कहां से आया, आपको किसने प्रेरित किया कि आप आगे बढ़ के इस तरह के काम करें? क्योंकि रिटायरमेंट के बाद लोग, तो मैंने देखा बहुत लोग हैं कि खाली TV देखते हैं और उसके अलावा उनके पास कुछ पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। जैसे मैंने बताया कि मेरे प्रारंभिक काल में मेरा समाज ने काफ़ी ध्यान रखा और मुझे आगे तक ले जाने में मदद की, तो मेरे अंदर उसी समय ये भावना आ गई थी कि मैं जब भी सेवा में रहूँगा या सेवा के उपरांत भी अगर मेरा फिजिकली सब फिट है तो मैं जनता को वो लौटाने की कोशिश करूँगा। उसी भावना से प्रेरित होकर मैं अपने ज्ञान का और अपने अनुभव का रिटायरमेंट के बाद YouTube चैनल के माध्यम से लोगों की सेवा करने में वो समय लगाता हूँ। बहुत अच्छी बात। ये कुछ हम लोग अब तकनीकी क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्योंकि दर्शकों की तरफ से हमने पहले ये उन तक ये बात पहुँचाई थी कि आप यहाँ आने वाले हैं चंद दिन पहले, तो उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं जो कुछ टेक्निकल क्वेश्चन हैं। एक प्रश्न जो उनका था कि ये प्लॉट के साइज कितना हो, जैसे हम लखनऊ की अगर बात करते हैं तो क्या किसी भी प्रकार का प्लॉट हो, किसी भी जगह हो, मेन शहर में हो या थोड़ा सा बाहर हो, या प्लॉट की साइज क्या हो जिसके लिए हमें लखनऊ विकास प्राधिकरण से जाके नक्शा पास करवाना होता है?
या हर तरीके के प्लॉट के लिए हमें लखनऊ विकास प्राधिकरण को जाकर नक्शा पास करवाना होता है? देखिए आलोक जी, आपका प्रश्न ऐसा है जिसमें हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा दर्शकों को प्रभावित करेगा, सबके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो मैं केवल लखनऊ विकास प्राधिकरण की बात नहीं करूँगा, मैं पूरे प्रदेश की बात करूँगा और उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के जो भूखंड है उनके बारे में भी बात करूँगा, क्योंकि पूरे प्रदेश के नियम बायलॉज एक ही है। देखिए इस समय ये व्यवस्था है कि पूरे प्रदेश में जो भी प्लानिंग एरियाज हैं, प्लानिंग एरिया उनको कहते हैं जहाँ मास्टर प्लान लागू होता है, तो प्लानिंग एरियाज में किसी भी निर्माण या विकास कार्य को यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 लागू है, उसमें ये प्रोविजन है कि प्लानिंग एरिया के अंतर्गत कोई भी निर्माण या विकास कार्य बिना विकास प्राधिकरण की अनुमति के नहीं किया जा सकता है। तो भूखंड का साइज कुछ भी हो, नक्शा पास कराना सबके लिए आवश्यक है। अच्छा, ये पता नहीं क्यों कुछ लोग के प्रश्न है कि जैसे हम लखनऊ की अगर बात करें तो अब जो और दर्शक हैं वो शायद नहीं जानते हुए एरिया में, लेकिन चूंकि आप जानते हैं तो मेरा प्रश्न है, जैसे तकरोई की बात करते हैं, कहते हैं कि वो आउटर एरिया है, वहाँ पे कोई विकास प्राधिकरण का कोई अधिकार क्षेत्र ही नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ पे किसी तरह की नक्शा पास कराने की कोई जरूरत नहीं है, तो क्या ये सही बात है? नहीं, ये पूरी भ्रामक सूचना है। जैसे मैंने अभी बताया कि प्लानिंग एरिया जहाँ भी विकास क्षेत्र है, भले ही वो विकास प्राधिकरण की अपनी योजना होगी तो भूखंड का आवंटन विकास प्राधिकरण करेगा, एसटी विकास प्राधिकरण करेगा, उनका नक्शा पास कराना जरूरी है। और जो विकास प्राधिकरण की अपनी योजना नहीं है, प्राइवेट जमीन है, उन जमीनों पर उस विक्रेता को जो कॉलोनी काट रहा है उसको अपना लेआउट पास कराना पड़ेगा विकास प्राधिकरण से। अच्छा। और लेआउट विकास प्राधिकरण से पास कराने के बाद जब वो भूखंड बेचेगा तो वो वैधानिक रूप से सही भूखंड होंगे और उनको नक्शा पास कराना आवश्यक है, और जिनका लेआउट पास नहीं है वो अवैध कॉलोनी की श्रेणी में आती है और उन पर विकास प्राधिकरण यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 के अंतर्गत उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है और उनको ध्वस्त किया जा सकता है। तो आपने बताया कि कॉलोनी का लेआउट तो पास करवाना पड़ता है, तो उसमें जो कॉलोनी में जो इंडिविजुअल प्लॉट होंगे, क्या जब वो घर बनवाने जा रहे हैं तो उनको भी विकास प्राधिकरण से नक्शा पास करवाना पड़ेगा? हाँ, उनमें दो प्रोविजन से, देखिए बिल्डिंग प्लान तो पास कराना ही पड़ेगा, ऐसा हो सकता है कि कोई कॉलोनाइजर अपना लेआउट पास करते समय ही अलग अलग साइज के भूखंडों का टाइप डिजाइन पास करा ले, जैसे उन्हें तीन तरह के भूखंड अपने लेआउट में रखे, 100 वर्ग मीटर तक का एक सेक्टर, 200 वर्ग मीटर तक का एक सेक्टर, 300 वर्ग मीटर तक का एक सेक्टर, तो 100 वर्ग मीटर का एक टाइप डिजाइन पास करा लिया लेआउट पास कराते समय, उसके अलग से शुल्क लगते हैं तो वो शुल्क भी जमा करा दिए और लेआउट पास कराने वाले शुल्क वो भी जमा करा दिए। उस केस में फिर इंडिविजुअल प्लॉट होल्डर को नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेआउट पास कराते समय बिल्डर ने पहले ही टाइप डिजाइन पास करा लिया है, उसका शुल्क जमा करा लिया, सिर्फ उस केस में अलग से बिल्डिंग प्लान पास कराने की जरूरत नहीं है। अगर कॉलोनाइजर ने लेआउट पास नहीं कराया है और उसके लेआउट पास कराया है लेकिन उसके अंदर बिल्डिंग प्लान पास नहीं कराया है, तो फिर इंडिविजुअल प्लॉट होल्डर को अपना बिल्डिंग प्लान, जिसको नक्शा कहते हैं, वो पास कराना ही पड़ेगा। तो ये दर्शकों मेरे ख्याल से एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमको मिली है, और ये जानकारी मुझे भी नहीं थी कि लेआउट अगर पास है और अगर उन्होंने उसी में लेआउट के समय ही उन्होंने बिल्डिंग का भी प्लान जो है या प्लॉटिंग का प्लान भी जो है उसे पास करवा लिया है, तो शायद इंडिविजुअल जो है उनको अलग से, जब कोई उसे खरीदेगा और मकान बनवाने जा रहा होगा तो उसको अलग से जाके विकास प्राधिकरण में नक्शे के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपको विकास प्राधिकरण जाना पड़ेगा और नक्शा अप्रूव कराना पड़ेगा। हाँ, मेरे ख्याल से जी, हाँ एक बात हम यहाँ जोड़ना चाहेंगे जी कि जैसे लोगों में जानकारी है कि अब 300 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर नक्शा पास कराने की आवश्यकता नहीं है, सामान्य लोग ये समझते हैं जी, तो उसका तात्पर्य ये है, ऐसा नहीं कि इसका मतलब ये कि पास कराना ही नहीं है, उसका तात्पर्य ये शासन जो शासनादेश है उसमें ये उल्लेख है, जो प्रोविजन है उसमें ये उल्लेख है कि 300 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंडों के लिए आपको ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम के अंतर्गत किसी आर्किटेक्ट के माध्यम से बिल्डिंग प्लान जमा कराना पड़ेगा, और जमा कराते ही वो ऑटो स्वीकृत हो जाएगा। अगर मानक के अनुसार है, सब कुछ ठीक है, तो आर्किटेक्ट के सर्टिफिकेट देते ही वो ऑटो अप्रूव हो जाएगा और आपको उसका डिमांड मिल जाएगी, पैसा जमा करिए, 24 घंटे के अंदर आप प्रिंट ले सकते हैं, मैनुअल कोई हस्तक्षेप उसमें नहीं रहेगा 300 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंडों का जिनका कि लेआउट स्वीकृत है। ओके, और 300 से ऊपर का? 300 से ऊपर का फिर स्वीकृत आपको मैनुअल में हस्तक्षेप है, जांच होगी तब पास होगा और उसका नक्शा पास। अच्छा, कहने का मतलब है कि कोई अगर नक्शा प्रॉपर है, जो भी जितना भी एरिया छोड़ना है वो छोड़ के पूरी तरीके से तैयार है और आपने उसको सबमिट किया,
तो वो उसी समय अप्रूव हो जाएगा, कोई विकास प्राधिकरण से कोई ऑफिसर वगैरह विजिट करने नहीं आएगा, विजिट करने नहीं आएगा, वो आर्किटेक्ट के सर्टिफिकेट पे हो जाएगा, लेकिन उसके जो चार्जेज है वो जमा कराने पड़ेंगे। ये केवल 300 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंडों के लिए है जिनका लेआउट स्वीकृत है या विकास प्राधिकरण की योजना के भूखंड है या आवास विकास की योजना के भूखंड है, इंडिविजुअल प्राइवेट जमीन की बात नहीं हो रही है। ठीक, तो ये आपने वैसे जवाब तो दे दिया है, लेकिन तब भी मैं दर्शकों के लिए फिर से आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या ये पूरी व्यवस्था, नक्शा अप्लाई करना, पास करना, कि क्या ये पूरी व्यवस्था ऑनलाइन हो गई है क्या, या अभी भी आप मैन्युअली कुछ फॉर्म भर के जाके सबमिट कर सकते हैं, या पूरी व्यवस्था ही ऑनलाइन हो गई? नहीं, ये व्यवस्था पूरी तरह से ऑनलाइन है पिछले 3-4 साल से। अच्छा, और ये इसका नाम जो है ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम है, उसी पर किसी रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट के माध्यम से आप अपना नक्शा अपलोड करा सकते हैं, और जिस कैटेगरी में होगा उस कैटेगरी में वो पास हो जाएगा। रेजिडेंशियल है, कॉमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, या 300 वर्ग मीटर है तो ऑटो अप्रूवल में चला जाएगा, बड़ा है तो मैनुअल पास होगा। तो ये क्या किसी सॉफ्टवेयर द्वारा ये नक्शा बनाया जाना, मतलब कोई फॉर्मेट है ऐसा कुछ, आपको जानकारी है? नक्शा तो कोई आर्किटेक्ट बनाएगा। अच्छा, उस सॉफ्टवेयर में सारी चीजें इनपुट में, इनपुट फील्ड में सारी चीजें इनबिल्ट है, भरी हुई है पहले से। अच्छा, कि 300 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंड में कितना सेटबैक होगा, कितना ग्राउंड फ्लोर पे कवरेज होगा, कितना FAR होगा, कितनी मंजिल बन सकती है, कितनी पार्किंग है, तो वो सॉफ्टवेयर उन मानक के अनुसार आपके नक्शे को चेक कर लेगा और ऑटो अप्रूव कर देगा, डिमांड निकल के आ जाएगी, आप पैसा जमा कराइए, 24 घंटे के अंदर आपको नक्शा मिल जाएगा। एक और प्रश्न था जो दर्शकों से उठा था और मेरी भी जिज्ञासा है कि एक विकास प्राधिकरण, हम एक एजेंसी देखते हैं गवर्नमेंट की और एक हम आवास विकास देखते हैं, दोनों का ऐसा लगता है कि एक ही तरीके के काम हैं, लेकिन हमें क्लियर नहीं है, कन्फ्यूज़न है कि इनका अधिकार क्षेत्र कहाँ कहाँ तक है, क्यों ये दो एजेंसियाँ हैं, क्यों ये एक नहीं है? ये बहुत मतलब आवश्यक प्रश्न है, काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन है, आपके अलावा और लोगों ने भी हमसे सवाल पूछा है, कई बार पूछा जा चुका है, तो मैं थोड़ा सा बड़े रूप में इसको क्लियर करना चाहूँगा। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश में एक मिनिस्ट्री है, हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग, आवास एवं शहरी नियोजन मंत्रालय, जिसके की मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी हैं इस समय जी। उस मंत्रालय के अंतर्गत 4 विभाग हैं, एक है जिसमें सारे विकास प्राधिकरण हैं, इसको आवास एवं शहरी नियोजन विभाग कहते हैं, दूसरा है उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, ये आवास एवं शहरी नियोजन विभाग या विकास प्राधिकरण के पैरेलल दूसरा विभाग है। अच्छा, जिसकी लगभग एक्टिविटीज सिमिलर हैं, और तीसरा विभाग है ये जो मेट्रो है वो वाला, उत्तर प्रदेश मेट्रो कॉर्पोरेशन, उसी के अंदर है हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट भी है, और चौथा विभाग है सूडा। ये चारों विभाग मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग के अंतर्गत 4 अलग अलग विभाग है, मिनिस्ट्री एक है। लेकिन क्यों है ये, मतलब ये सरकार की व्यवस्था है। विकास प्राधिकरण में थोड़ा सा अंतर ये है कि विकास प्राधिकरण पूरे शहर का मास्टर प्लान बना के प्लानिंग एरिया डेवलप करता है, अपनी योजनाएं भी बनाता है बिल्डर के रूप में, और प्राइवेट जमीन पर भी विकसित करता है। अच्छा, जबकि आवास विकास प्लानिंग एरिया डेवलप नहीं करता, मास्टर प्लान उसका नहीं है, वो मास्टर प्लान सीमा के अंतर्गत रेजिडेंशियल जो लैंड यूज है उसके अंदर जमीन एक्वायर करता है और एक बिल्डर के रूप में काम करता है। जिन शहरों में विकास प्राधिकरण नहीं भी है, प्लानिंग एरिया नहीं भी है, आवास विकास वहां पर भी अपनी गतिविधि कर सकता है, इसलिए थोड़ा जैसे तहसील स्तर पर छोटे कई नगर हैं जहां पर विकास प्राधिकरण नहीं है, वहां पर आवास विकास अपनी क्रियाएं करता है, तो प्लानिंग एरिया से आवास विकास का सीधा कोई मतलब नहीं है, वो अपना किसी भी नगर में एक्टिविटी कर सकता है, अपनी कॉलोनी डेवलप कर सकता है। तो जो आपने बताया उससे मैं दो बहुत बड़े डिफरेंस देख रहा हूँ, एक तो ये है कि विकास प्राधिकरण शहर का, शहर कैसे बढ़ेगा इसका एक मास्टर प्लान देता है, जो कि आवास विकास के उसमें अधिकार क्षेत्र में वो नहीं है, वो अपनी कॉलोनी डेवलप करता है एक बिल्डर की तरह। और दूसरा ये कि विकास प्राधिकरण का अथॉरिटी प्राइवेट बिल्डर्स पे भी है, जो प्राइवेट डेवलपमेंट हो रहा है, प्राइवेट बिल्डर द्वारा जो डेवलपमेंट हो रहा है, प्राइवेट लैंड पर भी उनका कंट्रोल है अर्बन प्लानिंग एक्ट के अंतर्गत, चाहे जमीन सरकारी हो, चाहे विकास प्राधिकरण खुद डेवलप कर रहा हो, चाहे किसी और भी डिपार्टमेंट हो या प्राइवेट हो जी, सारी गवर्निंग यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट के अंतर्गत उसमें नियोजित विकास करने की जिम्मेदारी विकास प्राधिकरण। तो विकास प्राधिकरण एक डेवलपर की तरह भी काम करता है और एक अथॉरिटी की तरह भी काम करता है, जबकि आवास विकास एक डेवलपर की तरह काम करता है। बहुत अच्छा, देखिए आज मेरा तो डाउट क्लियर हो गया, मेरे ख्याल से दर्शकों का भी जो है डाउट क्लियर हो गया होगा। ये हम लोगों ने बेंगलोर की स्थिति देखी और न्यूज़ में अब काफ़ी आ रहा है, हम जैसे लोग, आप जैसे लोग तो पिछले 10 साल से लोगों को जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं, अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि पानी का बचाव करें,
लेकिन चेन्नई की भी हालत हम लोग देख रहे हैं और बेंगलोर की भी हालत हम लोग देख रहे हैं। क्या बिल्डिंग बायलॉज में या अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट एक्ट 73 हो या मेरे ख्याल से भवन उपनिधि है, क्या इसमें कुछ पानी वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड भी कुछ प्रावधान हैं जो कि बिल्डर को या एक इंडिविजुअल हाउस ऑनर को इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है? बिल्कुल, देखिए बेसिकली जब यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 बना था, फ्रेम हुआ था जी, उस समय जो पैराग्राफ है उसमें ये लिखा हुआ था कि डेवलपमेंट अथॉरिटी का दायित्व ये है कि वो एक शहर के अंतर्गत नियोजित विकास करे और बढ़ती हुई आबादी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बेसिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मास्टर प्लान तैयार करे। अच्छा, उस मास्टर प्लान में वो इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड्स का डेवलपमेंट भी कर सकता है और फिर सीवर लाइन का, पानी की लाइन का डेवलपमेंट कर सकता है और चाहे तो जमीन एक्वायर करके अपनी कॉलोनी भी डेवलप कर सकता है या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई और काम के लिए भी जमीन एक्वायर कर सकता है। ये सारे अधिकार अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के विकास प्राधिकरणों को प्रदान है। चूंकि जब ये 1973 में एक्ट बना था उस समय पानी की कमी नहीं थी, तो पानी की कमी होने के संबंध में उस एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं है अभी तक। मेरा सरकार से ये सुझाव है कि तीन चीज़ों का उसमें ऐड कर लेना चाहिए। नंबर एक, पानी की कमी में जो हो रही है पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में और हम तो कहेंगे पूरी दुनिया में ही हो रही है, तो प्रदेश सरकारों को इस एक्ट के अंतर्गत अपने शक्तियाँ प्राप्त हैं, उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए अब इस यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट को अपग्रेड कर लेना चाहिए, कुछ इसमें संशोधन ऐड कर देने चाहिए। जैसे तमाम एक्ट बदले जा रहे हैं, कुछ इसमें ऐड कर देने चाहिए, तीन चीज़ें जरूर ऐड करनी चाहिए, मेरा व्यक्तिगत सुझाव है। पानी की कमी को देखते हुए उनको फ्यूचर पानी की कमी ना होने पाए इसके लिए एक मास्टर प्लान बनाना चाहिए जनरल मास्टर प्लान के साथ ही, और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेप बाय चरणबद्ध तरीके से उसकी योजना बनानी चाहिए। बहुत अच्छी बात। दूसरा, एयर पॉल्यूशन इतना बढ़ता जा रहा है, एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए भी मास्टर प्लान में एक प्रोविजन करना चाहिए कि जितनी आबादी आज है 10 साल बाद उतनी हो जाएगी, 15 साल बाद उतनी हो जाएगी, उसमें जो पॉपुलेशन बढ़ेगी उसमें कितना पॉल्यूशन बढ़ेगा, किन किन तरीकों से बढ़ेगा, क्योंकि पहले औद्योगिकरण इतना नहीं था, गाड़ियां इतनी नहीं थी। अब उन मानकों का ध्यान 1973 में नहीं रखा जा सकता था, लेकिन आज उसकी आवश्यकता है, तो पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए भी मास्टर प्लान में प्रोविजन करना चाहिए, जो अभी सरकार ने नहीं किया है। मैंने इस संबंध में सरकार को कई बार अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचना देते भी रहे हैं, लोगों के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी सरकार तक अपनी बात पहुंचाई है। और तीसरा जो बिंदु है वो है जो नॉइज पॉल्यूशन है, शहरों में बढ़ती गाड़ियां और बढ़ते विभिन्न धार्मिक आयोजन, इनकी वजह से या राजनीतिक आयोजन, इनकी वजह से जो पॉल्यूशन होता है, जो पॉल्यूशन कैलकुलेट नहीं किया जा सकता अचानक, इनके लिए भी एक मास्टर प्लान में प्रोविजन होना चाहिए और पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए भी एक मास्टर प्लान, इन मास्टर प्लान के साथ, इसी जनरल मास्टर प्लान के साथ, इन तीन बिंदुओं पर जरूर हम सरकार को काम करना है। बहुत बहुत अच्छे सुझाव हैं आपके, लेकिन एक ये मैं पढ़ रहा था, शायद मेरे ख्याल से भवन उपनिधि पढ़ रहा था, उसमें भवन के लिए, भवन के कंप्लीशन के लिए मैंने देखा कि उसमें एक शर्त थी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वगैरह बनाने की, तो शायद ऐसा कुछ है। अब वो कितने अच्छी तरीके से उसका पालन हो रहा है नहीं हो रहा है ये मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। इस संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि एक्ट में ऐसा प्रोविजन नहीं था जिसकी वजह से पूरा मास्टर प्लान इसके लिए नहीं बन पाया। इसके बाद भी उस एक्ट में प्राप्त शक्तियों का आंशिक उपयोग करते हुए जो बिल्डिंग बायलॉज बनाए गए, भवन निर्माण एवं विकास विधि बनाई गई, उसमें विभिन्न साइज के भूखंडों के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग निर्माण किए जाने का प्रोविजन कर दिया गया है। यद्यपि मेरा सुझाव यह है कि पूरे का मास्टर प्लान बनना चाहिए, जहां बिल्डिंग नहीं भी बन रही है, खाली जमीन है, एग्रीकल्चर लैंड है, वहां पर भी तो पानी आ रहा है, बिल्कुल वहां पर भी बोरिंग के माध्यम से पानी की कमी हो रही है। तो जब मास्टर प्लान बनेगा तो खाली बिल्डिंग की बात नहीं होगी, बिल्डिंग के लिए तो अभी बिल्डिंग बायलॉज में प्रोविजन किया हुआ है जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन वो एक सीमित है, मास्टर प्लान बनाना चाहिए, मेरा ये कहना। तो आप बिल्कुल कहना सही है कि सर्जरी की आवश्यकता नहीं है, हमें परमानेंट इलाज चाहिए, ये एक सर्जरी की तरह, ये सर्जरी की तरह फौरी तौर पे कर दिया। होता क्या है, प्रैक्टिकली एक बार मास्टर, एक बार रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट या उसका सिस्टम नक्शा पास करते समय उसमें मार्क करना जरूरी होता है, फिर कंप्लीशन के समय उसको जांच करना जरूरी होता है, लेकिन प्रैक्टिकली जब तक मास्टर प्लान नहीं बनेगा तो वो ऑपरेटिव हर समय रहता है। हमें नहीं लगता कि जितने रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाए गए हैं इस समय बिल्डिंग बायलॉज के अनुपालन में, उनमें से 70% भी हर समय एक्टिव रहते होंगे, कार्यरत रहते होंगे। अगर मास्टर प्लान बन जाएगा तो उसमें मॉनिटरिंग होने लगेगी और वो हर समय कार्यरत रहने के लिए एक प्रणाली विकसित हो जाएगी।
बहुत अच्छी बात। तो हम अपने दर्शकों से बताना चाहेंगे, कहना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप अगर अपना नया घर बनवा रहे हैं, चाहे आपका भूखंड 300 वर्ग मीटर से बड़ा हो या छोटा हो, आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, रूफ टॉप जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है, उसका अनुपालन और उसको बनवाने के जरूर प्रयास करें। जैसा आपने बताया कि खाली एक कंप्लीशन लेने के लिए या एक कागज़ पे एनओसी लेने के लिए हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ना बनाएं, बल्कि उसे सदैव जो है उसे चलायमान रखें, वो हमेशा जो है चलते रहना चाहिए। उसकी प्रॉपर जो है आप जो भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट वगैरह बनाएं उसकी सफाई करवाएं और उसको हमेशा चलाते रहें, जिससे लखनऊ और पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में जो है हमें पानी की कमी नहीं होगी। तो ये बहुत अच्छा आपका पॉइंट था कि वो खाली एक फौरी तौर पे उन्होंने एक वो कर दिया, प्रोविजन कर दिया, अगर मास्टर प्लान में आ जाएगा तो उसकी मॉनिटरिंग करना एक सरकार की जिम्मेदारी बन जाएगी, उसके आंकड़े प्रेषित करने पड़ेंगे ऑपरेटर के लिए, सिस्टम तैयार हो जाएगा। एक जब हम एज ए कॉमन मैन, एज ए ले मैन, अगर मैं मकान बनवाने जाता हूँ तो मुझे बहुत तरह के टेक्निकल टर्म सुनने को मिलते हैं, जैसे कि नक्शा, लेआउट प्लान, फिर कंप्लीशन की तो बहुत सारी प्रॉब्लम सुनता हूँ। कंप्लीशन से रिलेटेड बहुत सारे दर्शक बताते हैं कि उनकी बिल्डिंग में प्रॉब्लम हो गई, कंप्लीशन मिल गया जबकि काम नहीं हुआ, बहुत तरह की बातें सुनने में आती हैं। तो ये नक्शा क्या है, लेआउट प्लान क्या है, कंप्लीशन क्या है, क्या आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत है लोगों को। जी देखिए, जब हम एक बिल्डर के रूप में बहुत सारे भूखंडों को एक साथ स्वीकृत करा लेते हैं, जिसमें कई साइज के, कई उपयोग के, कोई रेजिडेंशियल है, कोई कॉमर्शियल है, जैसा लैंड यूज हमारे मास्टर प्लान में, बड़े क्षेत्रफल पर कई भूखंड विकसित करने के लिए कोई योजना बनाते हैं, उसको हम लेआउट कहते हैं। अच्छा। और उसको हम विकास, अगर प्राइवेट लैंड में बना रहे हैं तो विकास प्राधिकरण से हमें स्वीकृत कराना पड़ता है। स्वीकृत में विकास प्राधिकरण मुख्य रूप से तीन चीजों की जांच करता है। पहला ये कि जो आपकी जमीन है उसका स्वामित्व प्रमाणित है या नहीं, उसमें कोई सरकारी जमीन तो शामिल नहीं है, कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, कोई केस तो नहीं चल रहा है, पहली जाँच ये होती है। दूसरी जांच ये होती है, अगर आपका रेजिडेंशियल लेआउट है तो मास्टर प्लान में उस पूरी जमीन का लैंड यूज रेजिडेंशियल है या नहीं है। अगर इंडस्ट्रियल लेआउट है, जिस उपयोग के लिए लेआउट है वही लैंड यूज अगर मास्टर प्लान में होगा तभी वो स्वीकृत होगा। और तीसरा ये है कि उसकी प्लानिंग हमारी बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार है या नहीं, कितनी चौड़ी सड़क है, कितनी लंबाई की सड़क है तो कितनी चौड़ी होगी, उसमें लंबाई से मानक है। अच्छा। अगर इतनी लंबी सड़क है तो 9 मीटर होगी, उससे ज़्यादा लंबी है तो 12 मीटर होगी, कितने परसेंट पार्क छोड़ना है, कितना ग्रीन एरिया छोड़ना है, इन सब मानकों का बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए उसकी स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसको हम कहते हैं लेआउट। जी अब आपने कहा दूसरा नक्शा। नक्शा शब्द विशेष रूप से बिल्डिंग प्लान के लिए केंद्रित है। अगर कोई प्लॉट स्वीकृत लेआउट के अंदर हमने खरीद लिया और उस पर भवन का निर्माण करना चाह रहे हैं तो ग्राउंड फ्लोर में कितने परसेंट कवर्ड एरिया मिलेगा, फर्स्ट फ्लोर कितना मिलेगा, कितनी मंजिल मिलेगी, इसको हम नक्शा कहते हैं या बिल्डिंग प्लान कहते हैं। उसको पास कराना अलग से पड़ता है, वो प्लॉट होल्डर पास कराता है। और ये कंप्लीशन की क्या कहानी है क्योंकि कई दर्शकों से मेरी बात हुई जो कि मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट में रहते हैं और उनका एक ही पेन पॉइंट है, वो कहते हैं कि हमारा क्लब नहीं बना, हमारा स्विमिंग पूल नहीं बना, हमें जब बिल्डर ने ये बेचा था तो उसमें उसने सारी सुविधाएं लिखी थी, सारी अम्यूनिटीज लिखी थी और तभी हमने इसको ख़रीदा, लेकिन बिल्डर ने कुछ बनाया नहीं और उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिल गया। तो ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे इसके बारे में और थोड़ा सुझाव सरकार के लिए भी अगर आपके पास हो तो वो भी साझा करें तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि आजकल जो ग्रुप हाउसिंग का प्रचलन चल रहा है पिछले 10 सालों से, ये पब्लिक के लिए बहुत उपयोगी है। एक जगह पे प्रोमिनेंट जगह पे काफ़ी फ्लैट मिल जाते हैं और कुछ एक तरह से इकोनॉमिक रेट पे भी रहने को मिल जाता है। जितने में प्लॉट मिलता है उतने में आदमी रहने का बंदोबस्त कर लेता है, क्वालिटी लिविंग मिल जाती है अच्छी लोग, तो पब्लिक के लिए अच्छा है, सबके लिए आवास उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी, उसके तहत ये काम हो रहा है। तो इसमें होता क्या है कि कई तरह के प्रोविजन सरकार को करने पड़ते हैं, जैसे एक एकड़ के प्लॉट में मान लीजिए 500 परिवार रहने के लिए आ रहे हैं तो उनके लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था हो, पर्याप्त सीवरेज की व्यवस्था हो, प्रदूषण नियंत्रण रहे इसके लिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एनओसी आती है, पर्यावरण सुरक्षित रहे उसके लिए आती है, ऐतिहासिक धरोहर ना बिगड़े शहर की, जैसे अयोध्या है वहाँ अगर ऐतिहासिक कोई मामला है और वहाँ से प्रदूषण या पर्यावरण उसका दूषित हो रहा तो वहाँ पर उसकी अनुमति नहीं मिलेगी। बिल्कुल। उसके अलावा
फायर सर्विसेज का भी प्रोविजन किया जाता है। तो जब नक्शा पास होता तो ये सारे प्रोविजन प्रपोज्ड होते हैं कि ये करेंगे, बिल्डर कहता है ये करेंगे, उसकी डिजाइन होती कितनी पॉपुलेशन पे कितना प्रोविजन करना है, कितने डाटा का पाइपलाइन डालना है, कितनी फायर सेफ्टी की कितनी सर्विसेज देनी है, एमिनिटीज देनी है, वो निर्धारित है मानकों में, उस मानक के अनुसार वो प्रोविजन कर देता है, प्रपोज कर देता है नक्शे में। लेकिन वास्तव में वो उसने बनाया या नहीं बनाया ये तो बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद उसके सारे इंस्टॉलेशन करने के बाद ही चेक होगा। तो इसलिए कि वो पूरी चीज़ें सुविधा उपलब्ध करा दे, इसलिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट का सरकार ने प्रोविजन रखा है, एक बात ये है। दूसरे ये भी है कि जो विभाग फायर के एनओसी दे रहे हैं, पॉल्यूशन के एनओसी दे रहे हैं, तो वो ये चेक भी करते हैं कि अगर आपने लगा भी लिया है तो जो लगाया वो मेरे मानकों के अनुसार है कि नहीं, जिसका हमने प्रोविजन किया था वही लगाया है नहीं लगाया, इसकी जांच वो संबंधित विभाग देता है। और संबंधित विभाग जब उसके फाइनल एनओसी दे देता, पहले जो एनओसी पास कराते समय मिलती वो प्रोविजनल होती है, और कंप्लीशन होने के बाद बिल्डिंग बन जाने के बाद वो सारे उपकरण लग जाने के बाद फिर उस संबंधित विभाग का अधिकारी आके जाँच करता मौके पर और उसका फाइनल एनओसी देता है। फाइनल एनओसी मिलने के बाद ही कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी होता है। ये कंप्लीशन जारी करने की प्रक्रिया इसलिए रखी गई है कि ताकि जो मानक हैं पॉल्यूशन के, सीवर के, पानी के, पार्किंग के, फायर के, वो उन मानकों के अनुसार ही कारण पूरे, ऐसा ना हो कि बिल्डर उसमें दिखा कुछ और दे और काम कुछ और हो, मानक पूरे नहीं। तो मानक पूरे करने की जांच की प्रक्रिया को ही कंप्लीशन कहते हैं, और बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन भी पूरे मानकों से पूरा हुआ यानी इसकी जाँच करने का प्रोविजन रखा गया, इसी को कंप्लीशन सर्टिफिकेट कहते हैं। तो हम देखते हैं और बहुत सारे केसेस ऐसे आए भी हैं हमारे पास, हमारे चैनल के पास, जहाँ शायद मानक पूरे नहीं थे तब भी कंप्लीशन दे दिया गया, लेकिन वो एक अलग विषय है। हाँ, वो उसका देखिए, ये सब मामले ऐसे हैं कि इस पर तो बहुत बड़ा चैप्टर बात की जा सकती है, इन पे सरकार को, हाँ मेरा सुझाव है कि सरकार को इस पर अंकुश लगाना चाहिए और जहाँ तक संभव हो पार्ट कंप्लीशन देने की प्रक्रिया पर थोड़ा बंधन लगाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि 10 टावर हैं, एक टावर बन गया उन्होंने कंप्लीशन दे दिया, देखिए एक टावर की बिल्डिंग और उसका सीवर कनेक्टिविटी पॉल्यूशन पूरे का पूरी के जांच की नहीं जा सकती जब तक सारा काम एक साथ पूरा ना हो। बिल्कुल, तो अगर सरकार या विभिन्न विकास प्राधिकरण पार्ट कंप्लीशन देने पे थोड़ा सा अंकुश लगाएं और एक साथ पूरा बिल्डिंग कंप्लीट होने पे कंप्लीशन दें तो इस पे काफ़ी हद तक रोक लगाई जा सकती है, ये मेरा सुझाव है। एक दर्शक का सुझाव था, मुझे उतना नहीं समझ में आया लेकिन मैं आपके सामने ये बात रखूँगा। वो कह रहे थे कि जब शुरू में लेआउट ही स्वीकृत हुआ है, विकास प्राधिकरण लेआउट प्लान जो है उसे स्वीकृत करता है, क्यों नहीं जो लेआउट प्लान है उसी का कंप्लीशन दिया जाता है, क्यों फिर अलग अलग भवन का देने लगते हैं। तो मुझे मतलब लॉजिकल तो लगा कि एक लेआउट प्लान हमने सबमिट किया विकास प्राधिकरण में जिसको उन्होंने अप्रूव किया, तो बाद में चेकिंग भी जो है उसी की होनी चाहिए कि वो लेआउट के अनुसार पूरा बना है कि नहीं बना है। लेकिन हो क्या रहा है कि वो अलग अलग भवन का एक अलग से एक निकल के लेआउट, पास तो लेआउट हुआ लेकिन फिर पता नहीं कंप्लीशन देते समय कहाँ से एक भवन की बात होने लगी। अगर शायद उनका कहना था कि अगर शायद लेआउट प्लान को ही चेक किया जाए और उसी लेआउट को ही कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया जाए के ऊपर ही कंप्लीशन सर्टिफिकेट, तो शायद ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाए, ऐसा उनका सुझाव था। देखिए जहां तक आपने लेआउट की बात की, लेआउट वो है जैसे अभी हमने बात करी जिसमें बहुत सारे भूखंड एक साथ स्वीकृत होते हैं, तो लेआउट का कंप्लीशन तो बिल्डर के लिए के नाम से ही होता है, वो बिल्डर ही लेता है। फिर उसने अगर उसमें 100 प्लॉट बनाए हैं, इंडिविजुअल मकान है तो ऑनर बदल गया ना, जब वो प्लॉट बिका नहीं था तब ऑनर बिल्डर था, प्लॉट बिक गया तो ऑनर दूसरा हो गया, मान लीजिए उसमें ग्रुप हाउसिंग के 10 प्लॉट निकाले पड़े लेआउट में, तो अब ग्रुप हाउसिंग का प्लॉट जिसने खरीद लिया वो बिल्डर है, उसका ऑनर बदल गया, पहले मूल बिल्डर था, हाँ। फिर जिसने खरीद लिया वो ऑनर हो गया, तो ऑनर ही तो पैसा लगाएगा उसको बिल्डिंग बनाने में, सर्विसेज देने में, तो जो पैसा लगाएगा उसी की जिम्मेदारी कंप्लीशन उसी को लेना पड़ेगा। पहले लेआउट तो एक ऑनर था, अब ऑनर बहुत सारे हो गए, ये ऑनर की जिम्मेदारी है अपने निर्माण का। उनका मेरे ख्याल से एमिनिटीज से ही रिलेटेड क्वेश्चन था। अगर लेआउट के कंप्लीशन की बात है तो बिल्डर को ही लेना है, इंडिविजुअल प्लॉट के अंदर जो बिल्डिंग बनाई है वो इंडिविजुअल। एक और टर्म है जो दर्शकों से एक सवाल आया था, म्यूटेशन करके एक टर्म है, अब मुझे नहीं पता कि वो विकास प्राधिकरण से रिलेटेड है, नगर निगम से रिलेटेड है, आवास विकास से रिलेटेड, लेकिन म्यूटेशन की बात होती है, बड़े कंफ्यूज रहते हैं, कुछ सरकारी डिपार्टमेंट्स में वो जाके पता करने की कोशिश करते हैं, कहीं से नोटिस वगैरह जैसे उन्हें आता है कि आपको म्यूटेशन फीस देनी है या आपको ये आपकी ऑनरशिप चेंज हो गई है इसलिए आपको कुछ फीस देनी है, एक्स्ट्रा फीस देनी है, तो वो तो समझते हैं कि हमने एक बार रजिस्ट्री करा ली
और तो अब ये हमारा है, हमारे पास और कौन सा हमारे पास एक्स्ट्रा हमें कोई फीस देनी है, तो म्यूटेशन क्या है ये एग्जैक्टली? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए आलोक जी, म्यूटेशन शब्द को बड़े रूप में पहले देखें। म्यूटेशन का मतलब है नाम अंतरण, नाम बदलना। अच्छा, हिंदी का इसका रूपांतरण है नाम का अंतरण करना। तो शुरू में क्या था, जब देश आज़ाद हुआ था इतने सारे एक्ट नहीं बन पाए थे, फौरी तौर पर काम चलाना था प्रदेश का सरकारों को, राष्ट्र सरकार को, देश की सरकार को, तो उन्होंने संपत्ति के अंतरण के लिए एक सिंपल रूल बना दिया कि भाई अभी आप सब लीज पे ही देते रहो। अच्छा, प्राइमरी स्टेज में सारे अलॉटमेंट लीज पे ही होते थे। ओके, तो लीज में क्या था, स्वामित्व तो सरकार का ही रहता था, आपको 100 साल के लिए दे दी, 99 साल के लिए दे दी, तो आप एक तरह से उपयोग करता है, मूल रूप से मालिक सरकार है। अब आपने 20 साल अपने पास रखा, फिर आपको बेचना है, तो उसको बेचना नहीं कहते, उसको लीज ट्रांसफर करना कहते हैं। तो लीज दूसरे के नाम होगी तो उसको नाम चेंज कराना पड़ेगा, उसको लीज के लिए म्यूटेशन का सब वहाँ लीज ट्रांसफर के को हम म्यूटेशन कहेंगे, नाम बदल गया, लीज दूसरे के नाम हो गई। अब उसके बाद जब ये हुआ कि परिस्थितियाँ बदली और फ्री होल्ड प्लॉट के अलॉटमेंट होने लगे, फ्री होल्ड प्लॉट में क्या है कि सरकार ने आपको पूरे अधिकार के साथ भेज दिया, स्वामित्व आपका हो गया, स्वामित्व ट्रांसफर कर दिया। अगर आप हमेशा अपने साथ रखते हैं प्लॉट को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप अपने प्लॉट को किसी और को बेच देते हैं तो प्राधिकरण के अभिलेखों में आपको ये लिखवाना पड़ेगा कि अब ये प्लॉट किसका है। अच्छा, उस पे उस केस में भी आवश्यक है, जैसे आपने अलॉट कराया, मूल अलॉटी की मृत्यु के बाद उसके बच्चों के नाम जाएगा, उनके वारिसों के नाम जाएगा, तो वारिसों का स्वामित्व उसमें कैसे होगा अगर नामांतरण नहीं कराएंगे? तो म्यूटेशन उसी को कहते हैं, चाहे वो मूल आवंटी की मृत्यु के बाद उसके वारिसों के नाम बदला जा रहा हो, स्वामित्व बदला जा रहा हो, या बेचने के बाद किसी और के नाम स्वामित्व बदला जा रहा हो, इस क्रिया को म्यूटेशन कहते हैं। और इसके लिए सरकार ने एक फीस निर्धारित की है, ब्लड रिलेशन में बहुत कम है, 5,000-10,000 ऐसे में हो जाता है, और अगर अदर्स है तो। तो ये सेलर को देना है कि बायर को देना है ये? देखिए, लेना विकास प्राधिकरण को है या हाउसिंग बोर्ड को है, देने का तो बेचते समय आप अपना समझौता जैसे जिसका हो जाए। अच्छा, उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। ये एक म्यूटेशन जो है नगर निगम से भी रिलेटेड कुछ एक म्यूटेशन की बात होती है, वही मैंने कहा ना कि विभिन्न एजेंसियां म्यूटेशन जो है विकास प्राधिकरण, हो सकता है आवास विकास में भी कुछ हो, जहां भी ऑनरशिप चेंज हो रही हो, और नगर निगम से भी कुछ म्यूटेशन के नोटिस वगैरह आते हैं, तो उसके बारे में क्या आपको कोई जानकारी है? बिल्कुल, देखिए जैसे अभी हमने बात बताया कि दो तरह की संपत्तियां थे, लीज वाली और फ्री होल्ड वाली, ये दोनों लागू हैं हाउसिंग बोर्ड पर, आवास विकास पर और विकास प्राधिकरण पर पूरे प्रदेश में समान रूप से, जिसकी हमने चर्चा भी कर ली है। अब बात करते हैं नगर निगम पर म्यूटेशन के बारे में। तो नगर निगम का म्यूटेशन, प्राइवेट जमीन आपकी है, पुराना मकान है आपकी, किसी भी तरह की जमीन है आपके नाम है, तो आपकी मृत्यु के बाद आपके वारिस को जाएगी तो वहां नाम चढ़वाना पड़ेगा। अच्छा, उसको म्यूटेशन कहते हैं, या आपने किसी और को बेच दी तो अब नगर निगम किससे टैक्स वसूलेगा? आप तो हट गए बेचने के बाद, किससे नाम टैक्स वसूलेगा? उसका नाम तो लिखना ही पड़ेगा, लिखना पड़ेगा तो उसी का नाम म्यूटेशन है। तो क्या ये मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट जो है, बिल्डिंग में जो अपार्टमेंट है, उन पर भी लागू है? उन पे नगर निगम में म्यूटेशन करना लागू है। अच्छा, क्योंकि बिल्डिंग कंप्लीशन होने के बाद बिक जाती है नगर निगम सीमा के बाद, उस पे हाउस टैक्स लेने का अधिकार नगर निगम का होता है, तो वो अपने रजिस्टर में नाम अंकित करती है, पहले इनके नाम था, अब टैक्स बदल गया, किसको टैक्स देना है, वन लायबल है, उसका नाम लिखा जाता है, इसी को म्यूटेशन कहते हैं। उसकी कोई फीस भी होगी? उसकी एक निर्धारित फीस है, अलग अलग तरह के केसेस में अलग अलग है, कमर्शियल में अलग है, रेजिडेंशियल में अलग है, फैमिली रिलेशन में अलग है। ये अपार्टमेंट एक्ट पहले लागू था अपार्टमेंट्स पे, और फिर अभी रेरा का गठन हो गया है, तो क्या आप कोई अपार्टमेंट एक्ट और रेरा का जो भी एक्ट है, क्या आप इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं, क्या आपस में कोई इनमें टकराव हो रहा है? रेरा के कुछ अलग प्रोविजन है अपार्टमेंट एक्ट के, कौन किसको सुपरसीड करता है, इसके बारे में आपको कुछ आइडिया है? देखिए दोनों में कोई क्लेश नहीं है, कोई सुपरसीड नहीं, दोनों इंडिपेंडेंट और अलग है, आपस में कोई संबंधित, थोड़ी जानकारी की अभाव रहता है तो लोग उसमें कंफ्यूज हैं। जी देखिए, अपार्टमेंट एक्ट तो ये है कि जब एक ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट में या मल्टी स्टोरी प्रोजेक्ट में एक भूमि जो पहले बिल्डर के नाम थी उसमें अब 500 फ्लैट बन गए, 500 मालिक हो गए ऊपर तलों पर अलग अलग फ्लैट्स के, तो उन फ्लैट्स के अंदर कुछ कॉमन स्पेसेस भी होते हैं। बिल्कुल, गैलरी है, लिफ्ट है, लिफ्ट लॉबी है, ग्राउंड है, प्ले स्पेस है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, इन सब को मेंटेन करने के लिए फंड कहाँ से आएगा?
पूरी बिल्डिंग की एक लाइफ होती है, बिल्डिंग पूरी खत्म हो जाएगी, गिर जाएगी, 100 साल की लाइफ डिजाइंड है, उसके बाद वो जमीन किसके हक में रहेगी, अच्छा। उसका ओनर बाद में कौन होगा, इन सब की व्यवस्था के लिए जो एक्ट बनाया गया उस एक्ट का नाम है यूपी अपार्टमेंट एक्ट, उसमें ये सारे प्रोविजंस दिए हुए मोटे रूप में हमने बताया। बिल्कुल। अब आते हैं रेरा की बात। रेरा एक अलग विभाग है, अलग उसका कानून है, वो कानून दो लोगों को गवर्न करता है, एक वो जो बिल्डर है, बिल्डर अगर टाइम से काम नहीं कर रहे हैं, टाइम से अलॉटिस को अलॉटमेंट के माध्यम से वो फ्लैट का पोजेशन नहीं दे रहे हैं जिसको कहा है कि, और जो रेट उन्होंने लगाए हैं वो उनके नियमों के अनुसार है कि नहीं, ऐसे नहीं कि 10 रुपए की चीज 20 रुपए में बेच रहे हैं और कब्जा 3 साल में देने को कहा 5 साल में दे रहे हैं, या ब्रोशर में उन्होंने कहा कि भाई ये क्वालिटी का दरवाजा लगाएंगे, इस क्वालिटी का पेंट करेंगे, ये क्वालिटी के टायर लगाएंगे, वो उन्होंने बदल दी, तो बिल्डर कोई हेरा फेरी ना करने पाए, समय से प्रोजेक्ट दे दे और क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज ना करे, अलॉटी को चीट ना करे, तो उसके अलॉटी के हित का ध्यान में रखने के लिए भी रेरा काम करता है और बिल्डर का हित ध्यान में रखने के लिए भी रेरा काम करता है। अगर बिल्डर बना रहा है, उसने शेड्यूल बना दिया, अपना काम टाइम से कर रहा है और कोई अलॉटी उसका पैसा नहीं दे रहा है, तो रेरा उसको भी पेनालाइज करेगा, अलॉटी के हित का ध्यान बिल्डर के साथ रखेगा और बिल्डर के हित का ध्यान अलॉटी के साथ रखेगा, इन दोनों की गवर्निंग के लिए रेरा एक्ट बनाया गया। बहुत अच्छा, आज ये भी एक डाउट जो है क्लियर हो गया। ये लखनऊ विकास प्राधिकरण ने 2021 का मेरे ख्याल से मास्टर प्लान बनाया, मैंने तो वो कहीं से उसकी प्रति ली थी और मैं उसको 2-4 पन्ने पढ़े, मैंने पढ़ने की कोशिश करी लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे समझ में नहीं आया। कुछ उसके बारे में आपको जानकारी है कि कितना एरिया बढ़ रहा है लखनऊ का, क्या बाराबंकी भी पूरा इसी में समा जाएगा, क्या उन्नाव भी क्या लखनऊ के अंदर ही आ जाएगा, क्या है उसमें? देखिए, अभी बाराबंकी आने की कोई ऐसी बात नहीं, कुछ बाराबंकी के 2 ब्लॉक रखे गए थे लेकिन अभी वो फाइनल नहीं हुआ है, तो एरिया थोड़ा सा बढ़ा है, अभी सही आंकड़े मेरे पास नहीं है कि कितना, वो मास्टर प्लान की बुकलेट के शुरू के 10 पन्नों में लिखा हुआ है एरिया कितना बढ़ा है, पुराना कितना था, वहाँ से आप देख सकते हैं। हाँ, लेकिन अभी लखनऊ में यूपी स्टेट कैपिटल रीजन बनाने का एक अलग से प्लान है, वो चल रहा है, लखनऊ मास्टर प्लान की बात नहीं कर रहे हैं, यूपी स्टेट कैपिटल रीजन की बात कर रहे हैं, जिसमें कि 6 जिले मिलाकर, जिसमें लखनऊ है, बाराबंकी है, सीतापुर है, हरदोई है, उन्नाव है और रायबरेली, इन 6 जिलों को मिलाकर जैसे नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर है, अच्छा। इसी के आधार पर यूपी स्टेट कैपिटल रीजन बनाने के लिए कार्यालय का गठन हो गया है, काम शुरू हो गया और उसकी प्लानिंग चल रही है, तो यूपी स्टेट कैपिटल रीजन बन जाने के बाद लखनऊ को एक बड़े रूप में आप देख पाएंगे। बहुत बहुत अच्छी बात, तो आज आपसे बहुत सारी जानकारी हमें मिली, क्या चलते चलते आप दर्शकों को कुछ जानकारी और अपनी ओर से देना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे, खासकर उन दर्शकों को जो जिनका सपना होता है एक छोटा सा घर और वो जब मकान बनवाने जाते हैं तो उन्हें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है, बिजली का कनेक्शन लेना, जैसे मैंने सुना है कि कोई टेम्प्रोरी कनेक्शन लेना पड़ता है, वहाँ दिक्कत, फिर बहुत सारे स्टेप्स पे उन्हें दिक्कतों का सामना करना, कैसे उनका ये जो ड्रीम है एक सुंदर छोटे घर का वो कैसे पूरा हो, कैसे सुलभ हो जाए, कैसे आसान हो जाए, उसके लिए अगर आप उनको कोई जानकारी देना चाहेंगे तो। बिल्कुल, मेरा इस इंटरव्यू में बैठने का उद्देश्य यही था कि हम दर्शकों की कुछ मदद कर पाए, तो ये आपने प्रश्न लास्ट में किया है, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर आपका सपना शहरी क्षेत्र में एक मकान लेके और सुकून से रहना है तो मेरा 2 सुझाव है, या तो आप किसी लेआउट स्वीकृत योजना के अंतर्गत भूखंड लें, या विकास प्राधिकरण या हाउसिंग बोर्ड या जहां नगर निगम काम कर रहा है नगर निगम की स्वीकृत योजनाओं के अंतर्गत ही प्लॉट लें, तभी वो लीगल या वैध मकान है और उसका नक्शा पास होगा और आप सुकून से रह पाएंगे। साथ में ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो नक्शा पास हो उसके अनुसार ही निर्माण कराएं, उसमें भिन्नता ना करें, क्योंकि अभी पिछले 10 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने कंपाउंडिंग को उत्तर प्रदेश से पूरी तरह से रोक दिया है, अब किसी तरह की कोई कंपाउंडिंग नहीं हो पाएगी, वो कंपाउंडिंग जो स्वीकृत में किए गए मानकों के अतिरिक्त है वो कंपाउंडिंग नहीं हो पाएगी, जितना स्वीकृत योग है वो अगर आपने बिना स्वीकृत किए बना लिए तब वो कंपाउंड हो सकता है, उसके अतिरिक्त कोई भी जो पहले एक्स्ट्रा हो जाता है तो वो कोई कंपाउंड नहीं होगा, तो आपको स्वीकृत लेआउट के अंतर्गत प्लॉट खरीदना चाहिए या विकास प्राधिकरण या किसी सरकारी विभाग की योजना के अंतर्गत प्लॉट खरीदना चाहिए और नक्शा पास करा के नक्शे के अनुसार ही निर्माण करना चाहिए, तो आप पूरी तरह लीगल हैं और शांति से सुख से आप जीवन जी सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट जमीन में कोई प्लॉट लेते हैं जिसका लेआउट स्वीकृत नहीं है तब वो अवैध कॉलोनी की श्रेणी में आएगा और आप उसमें पूरी तरह फंस सकते हैं और उसको सरकार तोड़ भी सकती है।
बहुत अच्छी, बहुत अच्छा सुझाव। मैं और बताना चाहूँगा कि इस संबंध में मैंने अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सिविल इंजीनियर जय कुमार तिवारी, उस पर एक प्लेलिस्ट अपलोड की हुई है। उस प्लेलिस्ट में हाउ टू परचेज लीगल प्रॉपर्टी नाम से जो प्लेलिस्ट है उसको आप देखेंगे, उसमें लगभग 40 वीडियो अपलोड किए हुए हैं। आपके 100 के 100 सवाल उसमें सॉल्व हो जाएंगे अगर आप कोई प्रॉपर्टी किसी शहरी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के अंदर लेना चाह रहे हैं। तो हाउ टू परचेज ए लीगल प्रॉपर्टी प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लीजिए, आपकी सारी समस्याओं हल होने का। फिर भी अगर कोई समस्या आपके रह जाती है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में, मेरे अबाउट सेक्शन में मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे बात करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है सिविल इंजीनियर जय कुमार तिवारी। और दर्शकों, हम आपको बताना चाहेंगे कि जो चैनल आपका है उसको हम डिस्क्राइब कर देंगे, उसको कमेंट में या हम अपने इस प्रोग्राम में ही उसका आपको लिंक दे देंगे, URL दे देंगे, जिससे आपको आसानी हो जाए आपसे संपर्क करने में। और अगर आपका कोई भी कमेंट हो, कोई भी प्रश्न हो, तो आप पेन डाउन चैनल के इस एपिसोड पे भी कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, या तिवारी जी के YouTube चैनल पे भी जाके वहाँ पे भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं, उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। आज आपने, ये एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है और बहुत ही अधकचरा ज्ञान है, जैसे थोड़ा थोड़ा अधकचरा ज्ञान मुझे भी है और कोई मुझसे पूछता है तो मैं थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे पूरी जानकारी नहीं है। तो आज आपने एज एन एक्सपर्ट ये सारी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम जुदा होते हैं फिर से अगले एपिसोड में आपसे मिलने के लिए, एक नए गेस्ट के साथ एक नए सब्जेक्ट पे चर्चा होगी। बैंड डाउन चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरा भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ध्यान से सुना है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। नमस्कार।